आप सभी मानस प्रेमियों को प्रणाम। मैं देवांशी निष्ठा एवं कुशाग्रत के तरफ से आप सभी की आभारी हूँ कि आप सभी ने इस प्रतिष्ठित मंच पर हमें प्रस्तुति देने का अवसर दिया। तो चलिए अब हम मानस के सात सोपान के बारे में बात करते हैं। पर मेरे दादाजी कहते हैं कि हमें राम चर्चा करने से पहले हनुमान जी को याद करना चाहिए। अतुलित बल धामम हीम शैलाम अधियम तनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाम अग्रणयम सकल गुरु निगायम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम नमामि। मानस के सात सोपान के अतिरिक्त भी सात की संख्या का बहुत महत्व है। कुशाग्र बताइए सात की संख्या के बारे में। कुशाग्र आप म्यूट पर हैं। सात सूर्य, सात दिन, सात क्षण एवं सात तरह की मिट्टियां भी होती हैं। बहुत अच्छे निष्ठा, आप बताइए मानस, तो आप बताइए सात के बारे में। सात महाद्वीप, सात रंग, सात पाताल, सात पूरी एवं सात धान्य है। इसके अतिरिक्त सात चिरंजीवी भी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासु हनुमान च विभीषण कृपा च परशुराम सप्तेत चिरंजीविनाम। अब हम मानस के सात सोपान के बारे में बात करते हैं। कुशाग्र बताइए मानस में सात क्या है। मानस में सात कांड है, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड। निक्का, आप बताइए मानस में सात और क्या है। मानस में सात सीढ़ियां हैं, तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है, सप्त प्रबंध समक सोपाना, सात सीढ़ियों से उतर कर मानस रूपी सरोवर में पहुंच कर जल रूपी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मानस में सात और क्या है कुशाग्र। मानस के उत्तर कांड में गरुड़ जी ने काक शक्ति से सात प्रश्न पूछे थे। गरुड़ जी ने सात प्रश्न पूछे। निष्ठा, आप बताइए मानस में एक ही महल में सात रानियां कौन है। सात रानियां एक महल में। हाँ, अयोध्या के महल में सात रानियां रहती हैं। माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, सीता जी, उर्मिला जी, मालू जी एवं श्रीकृति जी। कुशाग्र आप बताइए मानस में सात और क्या है। मानस के बाल कांड में सात श्लोक है। मानस के राम जी विष्णु जी के सातवें अवतार थे। जिस तरह मानस में सात कांड है, उसी तरह हमारे शरीर में सात चक्र हैं, जिनका संबंध पांच महाभूतों एवं गायत्री मंत्र से भी है। इसे स्पष्ट तरीके से समझने के लिए मैं प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ। मूलाधार चक्र यानी बाल कांड। जो सुमिरत सही होए गढ़ना करी बंदना। मूलाधार चक्र के स्वामी गणेश स्वाधिष्ठान चक्र यानी
अयोध्या कांड। स्वादिष्ठान चक्र में सरस्वती जी स्थित है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धि भवतु मे सदा। या कुन्दीं तूतुं शारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मा चतुशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाज्ञापहा। नाभिचक्र यानी अरण्यकांड। अरण्यकांड में राम जी ने अगस्त्य गुरु एवं सुतिक्षण गुरु से शिक्षा ली थी। मणिपुर चक्र नाभि में होता है एवं मणिपुर चक्र में गुरु तत्व होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात तव ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनहत चक्र या किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में आत्मस्वरूपी हनुमान जी का श्री राम जी से मिलन हुआ था। मिलन जो है हृदय से होता है और अनहत चक्र भी हृदय में ही स्थित है और अनहत चक्र को हृदय चक्र भी बोला जाता है। हृदय चक्र में श्री सीता राम एवं शिव जी स्थित है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सर्वमिदं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, कपूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्दारं, सदा वसन्ते हृदयानविन्दे, भवन्भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं, सीतसमारूपितवामभागं, पाणिमाशायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। विशुद्धि चक्र या सुंदरकांड। सुंदरकांड में संवाद है, जैसे राम हनुमान सीता संवाद, हनुमान राम संवाद, हनुमान विभीषण संवाद, हनुमान राम संवाद। संवाद जो है कंठ से निकलता है और विशुद्धि चक्र भी कंठ में स्थित है। विशुद्धि चक्र के स्वामी कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानुर्वर्धनम्, देवकी परमानंदम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे नवमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कंकरं, सर्वांगे हरिचंदनं, सललितं कंठे च मुक्तावले, गोपश्री परिवेषितो विजेते गोपाल चूड़ामणिं। आज्ञा चक्र या लंका कांड। आज्ञा चक्र ईगो और सुपर ईगो का तो स्थान है ही। आज्ञा चक्र में ईगो और सुपर ईगो का तो स्थान है ही, परंतु यहाँ क्षमा का भी स्थान है। इस चक्र में गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी का स्थान है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सहस्त्रार चक्र या उत्तरकांड। सहस्त्रार चक्र हमारी तालु में स्थित है। यहाँ हजार पंखुड़ियों वाला कमल भी है। यह आदिशक्ति का स्थान है।
थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आदिशक्ति नहीं लिखा। ऐगेरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भोरे कुटुंबिनी भोरे कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख हर्षिणी घोषरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्मिष मोषिणी हर्षरते धनुज निरोषिणी दिति सुत सोषिणी दुर्मत रोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। इसी तरह हमारे शरीर का मानस के सात कांडों से संबंध है। अगर बाल प्रस्तुति पे कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसे कृपया कर क्षमा करें। जय श्री राम।